हम सीमा दीदी की शेयरिंग को सुनेंगे। सीमा दीदी, आपका स्वागत है। हाँ नमस्ते कुमार भैया, नमस्ते सभी दीदी, को। हाँ नमस्ते दीदी। दीदी, मैं आपका छोटा सा परिचय रखना चाहता हूँ। जी तो दीदी होम मेकर है, दीदी फ्रॉम कलकत्ता है, और दीदी ने मतलब इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप नहीं किया है, लेकिन दीदी इस कंटेंट को सुन रही है और मॉर्निंग सेशंस को लास्ट जो 8 बैच से दीदी ने मॉर्निंग मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया है, और दीदी कंटेंट को वेरीफाई करने का प्रयास कर रही है। तो दीदी, ओवर टू यू। जी, मेरा नाम सीमा अग्रवाल है और मैं कोलकाता में रहती हूँ। और जैसा भैया ने कहा, मैं होम मेकर हूँ। मेरा जन्म 4 मार्च 1986 में कलकत्ता में ही हुआ था। अभी मेरी एज 38 ईयर्स की है। मैं मैरिड हूँ। मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, मैं, मेरे हस्बैंड के 2 भाई, उनकी वाइफ, उनके 3 बच्चे और मेरे सास ससुर हैं। मैं एक संयुक्त परिवार में रहती हूँ, जॉइंट फैमिली में। और इस फैमिली में आने से पहले, मेरी शादी से पहले, मेरे पीहर के परिवार में हम 3 भाई बहन हैं। मेरा एक भाई है, वो बड़े हैं मेरे से, और बहन भी मेरे से बड़ी है। वो दोनों ही शादीशुदा हैं। उन दोनों के दो दो लड़के हैं। और मेरी मम्मी का देहांत 2015 में हुआ था कैंसर से। और अभी मेरे पिता भी हैं, जो मेरे भैया के साथ रहते हैं। शादी से पहले मेरी जो स्टेटस थी वो मेरी ज़्यादा वैसे कुछ नहीं थी। मैंने ज़्यादा कुछ एजुकेशन नहीं किया, ग्रेजुएशन ही किया है। मैंने CS ज्वाइन किया था बट मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नौजिया और डिप्रेशन की इशू थी, तो जिसके कारण मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती थी। डिप्रेशन मुझे हमेशा इस चीज़ का रहता था कि कोई भी चीज़ का, जैसे भय अंदर में बना हुआ रहता था। एंजाइटी अटैक्स वगैरह आते थे मुझे। तो जब मेरी मम्मी चली गई, उसके शॉक से मुझे सीवियर डिप्रेशन हुआ। और वो मतलब डिटेक्ट भी नहीं हुआ कि मुझे डिप्रेशन है। तो मैंने 1 से 1.5 साल बहुत सफ़र किया उसके लिए। मैं 5 से 6 बार हॉस्पिटलाइज हुई, डॉक्टर्स ने केस सरेंडर किया, बट कुछ समझ नहीं आता था क्या हुआ। मतलब ऐसी स्थिति हो गई कि बचूंगी कि नहीं। तो उस ड्यूरेशन में मुझे एक चीज़ समझ में आई कि प्रॉब्लम तो है पर सल्यूशन नहीं पता है, पर सल्यूशन भी है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन ज़रूर है, भले ही वो मिल नहीं रहा है। उस टाइम माइंड में ये चीज़ पक्की हुई। फिर जब सल्यूशन मिला तो तुरंत ठीक भी होने लग गई। बट डिप्रेशन की मेडिसिन चलती थी जो मेरी शादी के बाद बंद हुई। फिर 2 साल बाद, शादी के 2 साल बाद, हेल्थ कंडीशंस, डिप्रेशन की तो मेरी ठीक हो गई बट नौजिया की वैसे ही बनी रही। फिर बैक पेन वगैरह स्टार्ट हुआ, फिर इसकी इश्यू आ गई, हेल्थ कंडीशन खराब होती गई। तो मैंने अपने बारे में ये चीज़ सोचा कि इस तरीके से तो इतनी कम एज में ऐसे नहीं चलेगा, तो इसके बारे में अध्ययन करना स्टार्ट किया। तो सात्विक लाइफस्टाइल के बारे में पता चला और उसके बारे में फिर बहुत अध्ययन किया। तो 2 महीना सात्विक डाइट किया जिससे मैंने ये सभी डिजीज रिवर्स की अपनी। तो जब मैंने अपने में इतना परिवर्तन देखा कि 2 महीने में खान पान में चेंजेस करके अपने आप को इतना परिवर्तन कर सकते हैं, तो माइंड मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई थी, 2014 से मैं ब्रह्म कुमारी से भी जुड़ी हुई थी, तो मेरी जर्नी में मुझे ब्रह्म कुमारी से बहुत सपोर्ट मिला। फिर मैं स्पिरिचुअलिटी से तो जुड़ी हुई थी ही, तो मैं मेडिटेशन भी करती थी और मैं बेसिकली 7 चक्रास की हीलिंग बहुत करती थी जिससे मुझे बहुत बेनिफिट मिलता था। तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि इतनी जो मुझे इंफॉर्मेशन है कि अटेंशन होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, ये सब सबकी इंफॉर्मेशन थी। और मुझे उस टाइम ऐसे लगता था कि मुझे इनकी बहुत नॉलेज है और मेडिटेशन का अनुभव भी था, बट वो ज़्यादा समय तक बना नहीं रह पाता था। तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि ये बीच में कोई कुछ तो कड़ी है जो मिसिंग है, मैं उसको ढूंढती थी। फिर जब मैंने हेल्थ के एस्पेक्ट में अपने आप को थोड़ा ग्रो किया, मैंने BRC सर का कोर्स किया, फिर सेशंस लेने स्टार्ट किए, तो वहाँ मुझे प्रिया दीदी मिले। तो प्रिया दीदी ने मुझे UHV के बारे में बताया तो मुझे इंटरेस्ट हुआ। बट मैं 5 दिन का वो इंट्रोडक्टरी कोर्स नहीं कर पाई, तो
उन्होंने मुझे मॉर्निंग सेशन में जोड़ा। 8 सेशन में मैं मॉर्निंग सेशन के जब जुड़ी तब मैं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी जो रूटीन है रात को 1-1.5 बजे सोने की, और सुबह फिर हमारे यहाँ उतना होता है 7:30 बजे तक, तो नींद की थोड़ी इशू थी। फिर मैंने 5-6 क्लासेस सुनी 8 सेशन की, तो वो मेरे अंदर इतनी गई कि मैंने खुद को पुश किया, और 9 सेशन में मैंने एक्सरसाइज 1 से रेगुलर अटेंड की। तो मैंने अपने आप में सबसे पहले ये नोटिस किया कि हम अपने माइंड को लिमिट करके रखते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, हम कर सब सकते हैं, बट ये लिमिटेशंस हमारी ही बनाई हुई है। तो ये सबसे पहले खुद में ऑब्जर्व किया, फिर उसके बाद देखा कि टाइम मैनेजमेंट इज माइंड मैनेजमेंट। मतलब मैं हमेशा यही सोचती थी कि मेरे पास समय का अभाव है, मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, बट समय का अभाव कहाँ है हमारे विचारों में। ये मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर हम अपने विचारों को रिजॉल्व करें तो हमारे पास बहुत समय बच सकता है। जो मैंने करना जब स्टार्ट किया तो मैं काफ़ी प्रोडक्टिव हुई, पहले के मुकाबले में काफ़ी प्रोडक्टिव हुई। तो ये 2 चीज़ें सीखी। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया। तो एक दिन कुमार भैया से क्वेश्चन पूछा कि कुमार भैया फ्री बैठी हुई हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, समझ आ रहा है कि टाइम वेस्ट कर रही हूँ पर फिर भी किए जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपकी मान्यता होगी कुछ, आप देखो उसको समझो। तो जब उसको ऑब्जर्व किया तो मुझे ऐसे ही एक दिन दिखा कि मेरे बाथरूम में एक बकेट रखा है, उसमें पानी है, थोड़ा गंदा है। तो उसको जब निकालने के लिए उसको जब टच किया तो देखा वो जो ऊपर से गंदा दिख रहा है वो तो है ही, बट बकेट के नीचे में भी बहुत गंदा है जो मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो जो पानी की जो परत होती है थोड़ी ट्रांसपेरेंट सी होती है, वो दिखाई नहीं देती। मुझे जब मैंने ये देखा तो मुझे ये समझ में आया कि हमारे विचार भी ऐसे ही हैं, हमारे अंदर भी बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो हमें दिखता नहीं है। जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया कि उसको जब देखना चालू करेंगे तो उसको साफ किए बिना नहीं रह सकेंगे। जैसे मैंने जब उस बकेट को देखा, उसकी गंदगी को फील किया, तो मैंने तुरंत उसको साफ किया, मैं रह ही नहीं पाई उसको क्लीन किए बिना। वैसे ही जब हम खुद में ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं, खुद में देखना स्टार्ट करते हैं, अपने भाव विचार को समझना स्टार्ट करते हैं, तो एक तो वो देखने से तो 50% रिजॉल्व हो ही जाता है कि हाँ अब ये नहीं होना है, और जो करना भी रहता है वो धीरे धीरे हम कर ही लेते हैं। पर अगर कोई मैटर है जो नहीं रिजॉल्व हो रहा है ऑब्जर्वेशन से भी, तो मुझे ये समझ में आता है कि हमने ठीक से ऑब्जर्व नहीं किया, इसीलिए हम उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, उसको और बारीकी से देखने की समझने की जरूरत है। फिर मैंने ये देखा कि जैसे मैं कोई भी डिसीजन लेती थी पहले बहुत इम्पल्सिव होके लेती थी कि हाँ बस कर लेना है, बट उसका रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा मैं इतना नहीं सोचती थी। फिर बाद में जब रिजल्ट होता था तब भी इतना समझ में नहीं आता था कि क्या हुआ कैसे हुआ, बट जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तब देखा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर कोई भी डिसीजन लेती थी तो उसके बाद सोचती थी कि इस डिसीजन से क्या होगा, मेरी चाहना क्या है इसमें। अगर मेरी चाहना हार्मनी में रहने की है तो मेरा ये डिसीजन से हार्मनी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जब मैंने खुद में ये चीज़ चेक की तो मैंने देखा कि मैं जो चाहती हूँ मैं उसके उल्टा ही कर रही हूँ, तो रिजल्ट भी तो वही आ रहा है, तो मुझे उसको चेंज करने की ज़रूरत है। अपनी चाहना पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया और फिर मैंने उसको चेंज करना स्टार्ट किया। जब मैंने उसको चेंज करना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि बहुत सारी चीजें बदलनी स्टार्ट हुई, मैं आराम में आने लगी, और जैसे पहले बहुत टेंशन हो जाती थी कोई भी सिचुएशन देख के, कोई भी परिस्थिति देख के, मैं उतनी नहीं विचलित रहती हूँ। जब जैसे कुछ भी होता है तो ऐसे लगता है कि हाँ थोड़ा मैं आती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उसमें रिएक्ट नहीं करती हूँ, मैं रिएक्ट करती हूँ, बट अंदर में कहीं ना कहीं ये बना हुआ रहता है कि नहीं इसको अब सॉल्व तो कर ही लूंगी, जब खुद में देखेंगे समझेंगे तब सॉल्व हो जाएगा। फिर मैंने ह्यूमन कैमरा एक्टिविटी वाली क्लास की, तो उसमें मुझे एक चीज समझ में आई कि निरंतर हमें कोई ना कोई देख रहा है। फिर ये समझ में आया वो कोई और नहीं, मैं खुद ही निरंतर खुद को देख रही हूँ, क्योंकि जितना हम खुद को निरंतर देख सकते हैं उतना और कोई नहीं देख सकता। तो
अपने आप से ऑनेस्ट रहना है और खुद पर वो जो कैमरा है वो लगा के रखना है और अपने आप को कंटिन्यू देखते रहना है। जब मैंने ये एक्टिविटी की तो मुझे इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। मैंने खुद को ऐसे ऐसे देखा जैसे पिक्चर की तरह, जैसे कोई मूवी चल रही है, कुछ अगर सीन हुआ, कुछ परिस्थिति हुई तो उसको वो तो उस टाइम हो जाती है, फिर बाद में शांति से बैठ के मैंने ऑब्जर्व करना सीखा कि ये क्या हुआ, मैंने कैसे रिएक्ट किया, सामने वाले ने ये बोला, मैंने ऐसे बोला। अच्छा, जब डिटैच होके देखते हैं तब समझ में आता है कि हमारी क्या गलती है और सामने वाले की क्या गलती है। हमने यहाँ अपने एक्सप्रेशंस गलत दिए, चलो कुछ बोला भी नहीं पर एक्सप्रेशंस भी काम करते हैं। तो ये सब चीजें भी काफी बारीकी से समझी और इससे काफी असर हुआ, काफी रिलेशंस भी ठीक हुए और सिचुएशंस को डील करने की बहुत सारी क्लैरिटी भी मिली। फिर मैंने देखा इसी, मतलब मुझे एक चीज समझ में आई कि कोई भी चीज हो, कि शरीर है, मैं शरीर से अलग हूँ, ये भी मैंने उस ह्यूमन कैमरा एक्टिविटी वाली में समझा कि हाँ, मैं शरीर से अलग एक चैतन्य इकाई हूँ। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन चल रहा है और ऑब्जर्वेशन से ही हर चीजें क्लियर होंगी, समझ में आएगी, ये समझ बनी। फिर अभी 3 4 दिन पहले मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो मेरे अंदर जो फीलिंग्स है ना, जो पहले मैं फीलिंग समझती थी एक्चुअली, बट एक्चुअली ये है इमोशंस जो हमें ऊपर नीचे लेके जाते हैं। कभी हम खुश होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी हम हमारे अंदर में जब इमोशंस एक बार में अटैक करते हैं ना, नेगेटिव वाले, तो क्या होता है कि हम एकदम से माइंड काम करना बंद कर देता है और जैसे ही इमोशंस होते हैं वैसे ही हम बिहेव करने लग जाते हैं। तो मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ, मैंने अपने आप को देखा कि मैं ऐसे ही कर रही हूँ, मेरे इमोशंस मुझे इधर उधर भगा रहे और मैं भाग रही हूँ। तो मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं इसको रोक दूँ ना तो बहुत सारा काम हो जाएगा। तो इमोशंस सिर्फ ये नहीं कि जब मुझे बुरा फील हो रहा है उसको रोकना है, जब अच्छा भी फील हो रहा है ना तो उसको भी एक बार देखना है, उसको भी एक बार समझना है। ये चीज मुझे समझ में आई कि जो स्टेबिलिटी है ना, तो इमोशंस को रोकने से या कंट्रोल करने से वही समझ में आएगी। तो ये समझ में आया, हैप्पीनेस इज आवर इननेट स्टेट, ये हमारा मूल स्वभाव है। तो ये समझ, पहले तो फिर इमोशंस के बारे में ये अब समझ में आ रहा है। तो अब फिर ये सोचा कि कैसे इसको अटेन करूं, अटेन कैसे कर सकते हैं, तो इसके ऊपर अटेंशन रख के, फिर मैंने इसके ऊपर अटेंशन रखना बहुत स्टार्ट किया कि नहीं, इसके ऊपर अटेंशन रखना पड़ेगा, अपने इमोशंस के ऊपर, भाव विचार कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, मेरे कहाँ रिएक्शंस हो रहे हैं। तो जब मैंने इसको नोटिस करना स्टार्ट किया तब मेरी एक और प्रॉब्लम थी कि अचानक से कुछ भी होता है उसमें मैं एकदम रिएक्टिव हो जाती हूँ। उसका मुझे कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन दिखा कि अटेंशन अगर अपने ऊपर हर समय बना के रखेंगे ना, तो ये अचानक वाले जो पेपर आते हैं ना उसको भी हम कहीं ना कहीं रिजॉल्व कर ही लेंगे, कहीं ना कहीं क्या कर ही लेंगे, बट उसके लिए अटेंशन चाहिए खुद के ऊपर। तो जब मैंने अटेंशन दिया तो मैंने कुछ सिचुएशंस को, जैसे बहुत जो जिसमें मैं बहुत घुस जाती थी, बह जाती थी, उन सिचुएशंस को मैंने विद इन फ्यू मिनट्स रिजॉल्व कर लिया और मेरे भाव विचार जो एकदम बिगड़ गए थे एकदम कंट्रोल हो गए, एकदम स्टेबल हो गए, और मैं अपनी जो इननेट स्टेट है हैप्पीनेस वाली, मैंने उसको फील किया। तो अभी तक यही ऑब्जर्वेशन चल रही है और जो फीलिंग्स और इमोशंस के ऊपर काम करना है और आगे जो संवेदना के बारे में है और शून्य के बारे में है, आगे ऑब्जर्वेशन जैसे जैसे एक्सरसाइजेस होंगी करूंगी, और ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज होंगी तभी, बट कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन अपने ऊपर करते रहना है। कोशिश यही है कि ह्यूमन कैमरा एक्टिविटी अपने ऊपर 24/7 लगा के रखूं कि कहीं पे भी स्वप्न में भी कोई गलती ना हो, कोशिश तो यही है। आगे जैसी हो उस हिसाब से, UHV का बहुत सपोर्ट है, प्रिया दीदी का है, कुमार भैया का है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप सभी के सपोर्ट से यह पॉसिबल हुआ। क्योंकि हम भले ही कुछ भी रिजॉल्व कर लें, फिजिकली हेल्दी हो जाए, हमारे पास बहुत प्रॉस्पेरिटी हो जाए, वेल्थी हम हो जाए, कितने भी हो जाए, बट अगर हम अपने मन से शांत नहीं है ना, तो
तो ये सब चीजें व्यर्थ हैं, ये सब चीजें होके भी ना हमसे वो चली जाएंगी। तो सबसे पहले काम अपने मन पे करना है, इसका मतलब ये नहीं कि इन दो चीजों पे भी नहीं करना है, करना सभी पे है, पर सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो इसके ऊपर काम कैसे करना है ये मैंने यूएचबी से सीखा, मीन ऑब्जर्वेशन कैसे करना है ये मैंने यूएचबी से सीखा, प्रिया दीदी से सीखा। प्रिया दीदी का मैंने बहुत समय लिया, जब भी कहीं कंफ्यूज होती थी मैं सीधे उनको फोन करती थी, दीदी बताओ ये नहीं समझ आ रहा। दीदी बहुत प्यार से ये मुझे बहुत समय देते थे, 1 1 घंटा, 2 2 घंटा, दीदी के लिए मतलब बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड निकलता है। उनके हस्बैंड भी इसमें बहुत उनको सपोर्ट किए, नहीं उनको कहीं उनको अपनी ड्यूटीज देनी होती थी, फिर भी दीदी ने मुझे समझाया बताया कि नहीं दीदी इसको ऐसे नहीं ऐसे। तो उनके सपोर्ट से ही काफी मैं इस जर्नी में आगे बढ़ पाई। कुमार भैया ने मुझे बहुत समझाया, मॉर्निंग सेशन में जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे भी बहुत क्लैरिटी भरी। शर्मिला दीदी के बारे में दीदी से जो भी सुना है उनको भी बहुत थैंक यू, पूरे यूएचबी परिवार का बहुत बहुत थैंक यू, गणेश सर को बहुत थैंक यू। आगे ये ऑब्जर्वेशन की जर्नी आप सभी के साथ ऐसे ही चलती रहे और मैं ऐसे ही सीखती रहूँ। थैंक यू भैया। जी धन्यवाद दीदी, बहुत ही सुंदर बात रखी आपने, बहुत बारीकी से आप देख पा रही हैं। हम कुमार भैया से गाइडेंस चाहेंगे। भैया सीमा अग्रवाल जी ने भी बड़ी मधुरता के साथ और मैं कहूँगा बड़े ही विनम्रता के साथ अपना शेयरिंग रखा। सीमा जी की कुछ समस्याएं पहले से रही हैं, तो अभी सीमा जी आप अभी कोई दवाइयाँ ले रही हैं या उससे बिल्कुल उबर गई हैं, जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम आप बता रही थी? जी भैया, डिप्रेशन की इश्यू तो 3 4 साल पहले ही रिजॉल्व हो गई थी, और अच्छा जो मेडिसिन की बात है, आफ्टर डाइट करने के बाद मैंने अभी तक कोई भी मेडिसिन नहीं ली है, 2 साल हो गए। मैं एकदम अभी तक एक भी टैबलेट्स नहीं ली मैंने। बुखार भी होता है तो ने नेचुरल तरीके से थेरेपी से डाइट करके मैं खुद को ठीक करती हूँ। बढ़िया दीदी। अभी आपने पहला वर्कशॉप कब किया था? भैया ये यूएचवी का काफी टाइम हो गया, 8 बैच के पहले प्रिया दीदी ने मुझे भेजा था, तो मैंने स्टार्टिंग की 2 3 दिन की तो मैंने की, फिर उसके बाद लास्ट का शायद मेरा 2.5 दिन का रहा हुआ है जो मेरा नहीं हुआ है। तो उन्होंने मुझे वीडियो भी भेजी थी, तो वो स्टार्टिंग में तो उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं आपका लगता ये था। जैसे प्रिया दीदी से या यूएचबी से परिचय कैसे हुआ? मैंने जब सेशंस लिए हेल्थ के ऊपर तो प्रिया दीदी ने एज अ पार्टिसिपेंट उन सेशंस को ज्वाइन किया था, अच्छा। तो वैसे उनसे चलिए दीदी, जुड़ी। आप तो अभी घर पे ही हैं, आपका समय भी काफी है, और यदि घर में ज्वाइंट फैमिली में भी हैं तो बहुत उस तरह का अपरिहार्यता नहीं होती होगी कि आपका रहना जरूरी। तो आप बाहर निकल कर यदि कुछ फेस टू फेस वर्कशॉप अटेंड कर पाए, ईस्टर्न रीजन में होते रहते हैं। आप दिलीप देवनाथ भैया से बात कर लें, तो तारा भैया से बात कर लें। ईस्टर्न रीजन में वॉलंटियर्स की भी आवश्यकता है और काफी काम बढ़ने की संभावना भी है, तो उसमें आपकी भागीदारी अच्छे से हो सकती है। और पहले कंटेंट को पूरी तरह सुन लेना अच्छा रहेगा, मतलब हम समस्याओं से उबर पाते हैं तो अच्छी बात है, बट आगे की गति तभी बनती है जब हमको स्वयं में स्पष्टता होती है, स्वयं में समाधान दिखाई देने लगता है। तो उसके लिए कंटेंट को ठीक से सुनना, प्रस्ताव को ठीक से सुनना, फिर उसको अपने आप में जांचना और जी कर देखना। और जी कर देखने के क्रम में भागीदारी एक अनिवार्य भाग है। जितना फैल के भागीदारी करते हैं, संबंधों में निष्ठापूर्वक निर्वाह करते हैं, उतना हमको स्वयं का मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है, उतनी प्रायोरिटी हमारी शिफ्ट होती है। सुविधा या शरीर से ऊपर चलकर हम संबंध और संबंध में भी भाव और भाव के मूल में समझ पे ध्यान दे पाते हैं। तो वो भाग अभी थोड़ा छूट रहा है आपका, उसको थोड़ा आप ठीक से रख पाए कर पाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मेरी जी तरफ भैया, मैंने शुभकामनाएं तारा भैया से, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, मैंने तारा भैया से बात की है, तो उन्होंने कहा है कि जो भी अभी फिजिकली जो होगी वर्कशॉप वो मुझे बताएंगे, मैं अगर अटेंड कर पाऊंगी तो मैं जरूर करूंगी। जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भागीदारी का भी बढ़िया मैंने रहेगा। प्रिया दीदी से बात की है, तो उन्होंने कॉलिंग का बताया है मुझे, तो मैंने उनसे बात की है, तो बस अब वो जैसे आगे गाइड करेंगे वैसे उसको भी स्टार्ट करूंगी। जी, और हम में से कई साथी अब अगले बैच 10 के लिए कॉलिंग कर रहे हैं, तो उसमें मैं तो कहूंगा अन्य साथी भी जो सुबह के सत्र में जुड़े हुए हैं,
अगर आप कॉलिंग के लिए वॉलंटियर करना चाहें तो पोस्टर पे जिन साथियों का नाम है आप उनको संपर्क कर सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं, क्योंकि अभी पिछले 4-5 महीनों में ऑनलाइन और फेस टू फेस वर्कशॉप में कई सारे साथी वर्कशॉप किए हैं और उनको हम लोग चाहेंगे कि सुबह के सत्र में जुड़े। तो कॉलिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी है अपने ऊपर, 2 से 3 हज़ार कॉलिंग होनी है, तो उसके लिए अगर आप अपना नाम देते हैं सभी साथियों से मैं कहूँगा तो पूरे मॉर्निंग सेशन को वो एक्सपेडाइट करेगा, उसकी गति बढ़ाएगा। तो बढ़िया है, मेरी तरफ से आप दोनों साथियों को शुभकामना, बधाई। जी भैया।